जय हिंद कबड्डी दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रूहल और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कबड्डी 107 पर। तो इससे जो पहले हमारी वीडियो थी, हमने बताया था कि यदि लेफ्ट कॉर्नर हमारा एंकल होल्ड कर लेता है तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है। उससे पहले जो वीडियो थी वो थी डिफेंडर के लिए, लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर के लिए के रेडर का एंकल होल्ड कैसे करना, उसके दो प्रकार, और एंकल चुनवाना कैसे, उसके भी दो प्रकार मैंने वीडियो में बता रखा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और वहां पर वीडियो का जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बताएंगे एंकल होल्ड कैसे करना है, वो हमने बता दिया। एंकल होल्ड होने के बाद कैसे अपने आप को बचाना वो भी बता दिया। तो अब एक नई टेक्निक, नहीं तो नहीं है, वो बहुत पुरानी है लेकिन आज वीडियो में नहीं है, जो तीसरी टेक्निक है वो है यदि एंकल होल्ड करता है डिफेंडर, एंकल होल्ड होने से पहले ही बचाना है, एंकल होल्ड होने नहीं देना, ठीक है। पहले बताया था मुझे एंकल होल्ड हो जाता तो कैसे बचना है, अब बताना भाई एंकल होल्ड करने के लिए आता तो कैसे बचना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम एंकल सेव की बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नर, जब भी रेटर यहाँ पर फुटवर्क कर रहा है, यहाँ पे फुटवर्क कर रहा है कोई भी, कई बार क्या रेटर आके से आ रहा है सेट से, यहाँ पे आता तब भी एंकल होल्ड होगा। वापिस जा रहे हैं पीछे और वो डिफेंडर आता है, तो यहाँ शोल्डर पे हाथ रखेंगे, एंकल को पेज है कबड्डी 107 के नाम से, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और कबड्डी की न्यूज़ जो है, जानकारी है वो भी आप पा सकते हैं। जय हिंद जय कबड्डी जय।